उड़ीसा शहर के छोटे से गांव में माधव दास जी रहते थे। माधव दास जी अकेले रहते थे और भगवान जगन्नाथ जी के भजन किया करते थे और वो हर रोज भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाया करते थे। वो सिर्फ जगन्नाथ जी की भक्ति में ही मस्त रहते थे। उन्हें सांसारिक जीवन से कोई मोह माया नहीं थी। एक दिन अचानक माधव दास जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें उल्टी दस्त का रोग हो गया। वो बहुत ही कमजोर हो गए कि उठने बैठने में भी उन्हें समस्या होने लगी। माधव जी अपना कार्य स्वयं करते थे। वो किसी से मदद नहीं लेते थे। जो व्यक्ति उनकी मदद के लिए आता था उनसे कहते थे, मेरे प्रभु, मेरे जगन्नाथ जी स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। माधव जी की तबीयत और खराब हो जाती है। अब तो वो मलमूत्र भी बिस्तर पर त्याग देते थे, परंतु उन्होंने अपनी भक्ति और आस्था जगन्नाथ जी पर से नहीं छोड़ी। इतना बीमार होने के बाद भी वो नियम से जगन्नाथ जी की आराधना किया करते थे। यही दूसरी ओर जगन्नाथ जी अपने भक्त की उन पर आस्था देखकर अत्यंत खुश थे। तभी बलदेव जी जगन्नाथ जी से कहते हैं, हे प्रभु, आपका प्रिय भक्त इतना कष्ट में है, आप उसे दूर क्यों नहीं करते? उसके पूर्व जन्म के कष्ट हैं जो उसे भोगने ही होंगे, पर उसने मेरी इतनी भक्ति की है, इस कारण मैं पृथ्वी लोक पर जाकर उसकी देखभाल करूंगा। तब स्वयं जगन्नाथ जी सेवक के रूप में माधव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए जाते हैं। वो माधव जी की बहुत सेवा करते हैं और उनके गंदे वस्त्र भी भगवान जगन्नाथ जी अपने हाथों से स्वयं साफ किया करते थे और उन्हें स्नान भी कराया करते थे। भगवान जगन्नाथ जी की सेवा से जब माधव दास जी स्वस्थ हुए और उन्हें होश आया, तब भगवान जगन्नाथ जी को उनकी सेवा करते देख वो तुरंत पहचान गए, ये मेरे प्रभु ही हैं। देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता, इसी कारण मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए स्वयं आया हूँ। और जो पूर्व जन्म के कष्ट तुम्हारे भाग्य में लिखे हुए हैं, वो तो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। अगर उस कष्ट को इस जन्म में नहीं भोगोगे तो तुम्हें फिर से एक और जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे भक्त को उसके पूर्व जन्म के कष्टों के कारण अगला जन्म फिर लेना पड़े, इसलिए माधव मैंने तुम्हारी सेवा की। अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो मैं अपने भक्त की बात नहीं टाल सकता। अब भी तुम्हारा ये रोग 15 दिन का और शेष है, इसलिए वो 15 दिन का रोग वो मैं ले लेता हूँ। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास से ले लिया। तब से भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार रहते हैं। तब से आज तक हर वर्ष से यही चलता आ रहा है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ जी को ठंडे जल से स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद भगवान को बुखार आ जाता है। 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ जी को एकांत में एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जहां केवल उनके वेधा और निजी सेवक ही उनके दर्शन कर सकते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ जी को फल के रस, औषधि एवं दलिये का भोग लगाया जाता है और रोग मुक्त करने के लिए उन्हें काढ़ा भी पिलाया जाता है। भगवान के स्वस्थ होने पर अपने भक्तों से मिलने रथ पर सवार होकर निकलते हैं, जिसे रथ यात्रा कहा जाता है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी के साथ साथ उनके भाई और बहन भगवान बलदेव और देवी सुभद्रा की भी रथ यात्रा निकलती है। रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकलती है। ये कहानी है श्री कृष्ण भक्त कर्माबाई की। सन 1615 में राजस्थान के नागौर जिले के कालवा गांव में जीवन राम डूडी नाम के एक जाट किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जब उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया। मेरी कर्मा, मेरी बेटी, आज से मैं तुझे कर्माबाई कहकर बुलाऊंगा। जीवन राम भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। उनके घर में भगवान कृष्ण का एक मंदिर था। जीवन राम भगवान कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही कुछ खाते थे, ये उनका नियम था। कर्माबाई जब थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन, पिताजी, आप हमेशा भगवान कृष्ण को भोजन खिलाने के बाद ही भोजन करते हो। हाँ बेटी कर्मा,
जब भगवान कृष्ण भोजन ग्रहण कर लेते हैं उसके पश्चात ही मैं भोजन करता हूँ। पिता से ये सब देखते सीखते कर्मा बाई का बचपन बीत रहा था। कुछ वर्षों बाद एक दिन, बेटी कर्मा, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। जी पिताजी, बताइए क्या क्या है। बेटी कर्मा, मेरे पीछे से भगवान कृष्ण की विधि से पूजा करके उन्हें भोग लगाकर भोजन ग्रहण करना। मैं तुम्हें उनकी पूजा विधि बता देता हूँ और घर का भी ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है पिताजी, मैं भगवान कृष्ण को भोग लगाकर ही भोजन किया करूँगी, आप निश्चिंत होकर जाइए। जीवन राम कर्मा बाई को भगवान कृष्ण की पूजा और घर की देखभाल का कार्य सौंपकर तीर्थ यात्रा पर चले गए। अगले दिन, भगवान कृष्ण को भोग लगाना है, जल्दी से खिचड़ी बना लेती हूँ। हाँ, ये रहा देसी घी और गुड़, लो तैयार हो गई आपकी खिचड़ी की थाली। मैं ये रख रही हूँ, आपको जब भी भूख लगे आप खा लेना, मैं तब तक घर के काम निपटा लूँ। कर्मा बाई खिचड़ी की थाली भगवान के आगे रख कर घर के दूसरे कामों में लग जाती है। वो एक दो बार आकर देखती है, उसे लगा कि शायद भगवान को भूख ना हो। थोड़ी देर बाद, पता नहीं भगवान खिचड़ी क्यों नहीं खा रहे हैं, थोड़ा गुड़ और घी ज्यादा कर देती हूँ। ये लो भगवान, अब मैंने इसमें घी और गुड़ ज्यादा कर दिया है, अब तो खा लो। पिताजी आपके भोग की जिम्मेदारी मुझे सौंप कर तीर्थ यात्रा पर गए हैं, अब वो कुछ दिन बाद आएंगे, तब तक आप मेरे हाथ का बना भोजन खा लीजिए, मुझे ज्यादा व्यंजन बनाने नहीं आते। ये खिचड़ी आपके लिए बनाई है, इसे खा लो भगवान, मैं आपसे विनती करती हूँ, ये खिचड़ी खा लो, वरना जब तक आप भोजन नहीं करोगे मैं भी तब तक भूखी रहूंगी, देख लो फिर। कर्मा बाई भगवान कृष्ण से नाराज होकर भूखी प्यासी उनके सामने ही बैठी रही। दोपहर से शाम बीत गई, कर्मा बाई भगवान के समक्ष भूखी बैठी रही। भगवान कृष्ण ने जब देखा कि कर्मा बाई जिद पर अड़ी है, मूर्ति में से आवाज आई, कर्मा बाई, कर्मा बाई, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, पर्दा करो तभी मैं भोजन करूंगा। अरे हाँ प्रभु, रुकिए, मैं अभी अपनी चुनरी का पर्दा करती हूँ, आप आराम से खिचड़ी खाओ। आप मुझे पहले बता देते, इतनी सी बात के लिए पूरा दिन खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। थोड़ी देर में देखते ही देखते पूरी थाली खाली हो गई। भगवान कृष्ण के भोग लेने के बाद ही कर्मा बाई ने भोजन किया। अब तो नित्य नियम से कर्मा बाई सबसे पहले उठकर भगवान के लिए भोग बनाती और पर्दा करके भगवान के समक्ष बैठ जाती। थोड़ी देर बाद पूरी थाली खाली हो जाती थी। मुझे लगता है प्रभु को सुबह जल्दी भूख लगाती है, कल से सबसे पहले भोग ही बनाऊंगी, उसके बाद स्नान वगैरह और घर के काम बाद में ही किया करूंगी। हाँ ये ठीक रहेगा। अब तो कर्मा की बनाई खिचड़ी भगवान कृष्ण बड़े चाव से खाते थे और पूरी थाली खाली हो जाती थी। एक दिन कर्मा के पिता तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं। कर्मा बिटिया, कैसी है तू? पिताजी मैं अच्छी हूँ, और आपके पीछे पहले दिन तो भगवान ने भोग ग्रहण करने में बहुत नखरे किए, फिर शाम को जाकर खिचड़ी खाई, और अब तो भगवान कृष्ण सुबह सुबह ही मेरी बनाई खिचड़ी खा लेते हैं। मैं सबसे पहले उन्हें भोग लगाती हूँ, जब वो खा लेते हैं उसके पश्चात ही दूसरे काम करती हूँ। हे कृष्ण मुरारी, आपकी लीला कौन जाने प्रभु, मैं तीर्थ यात्रा में आपको ढूंढ रहा था, आप तो मेरे घर में ही विराजमान हो। धन्य हो प्रभु, आपकी जय हो। बेटी कर्मा, तुम जैसी पुत्री को पाकर मैं धन्य हो गया, अब से तुम ही भगवान कृष्ण को भोग लगाना, वो तुम्हारा लगाया भोग बड़े चाव से खाते हैं, अब से तुम ही अपने हाथों से भगवान कृष्ण की सेवा करोगी बेटी। ये सब सुनकर कर्मा बाई बहुत खुश होती है। अब तो कर्मा बाई नियम पूर्वक जल्दी उठकर भगवान को भोग लगाती और बाद में सारे काम करती। कुछ वर्षों बाद कर्मा बाई के पिता स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। अब कर्मा बाई घर में अकेले रहती तो उनका मन नहीं लगता था, इसलिए वो भगवान कृष्ण की मूर्ति को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल गए और भारत में अलग अलग तीर्थों के दर्शन करने के पश्चात वो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर पहुँची। बस अब यही जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में रहकर भगवान कृष्ण की भक्ति और सेवा करूंगी। कर्मा बाई अपने नियम से सुबह सुबह भगवान कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाती और कुछ ही देर में थाली साफ हो जाती। भगवान बड़े चाव से सारी खिचड़ी खाते, उसके पश्चात कर्मा बाई अपने नित्य स्नान ध्यान कार्यों को करती। एक सुबह, माँ कुछ खाने को मिलेगा, बहुत जोरों की भूख लगी है।
हाँ हाँ आजा बेटा, यहाँ बैठ। मैंने अभी अभी श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाया है, ले खिचड़ी खा बेटा। पसंद आई खिचड़ी तुझे? और दूं? बस माँ, पूरा पेट भर गया, आनंद आ गया तुम्हारे हाथ की खिचड़ी खाकर। माँ, क्या मैं ये स्वादिष्ट खिचड़ी कल भी खाने आ सकता हूँ? कल ही क्यों बेटा, तू रोज मेरे पास खिचड़ी खाने आ जाए कर। कर्मा बाई की कुटिया में उस बालक के रूप में स्वयं भगवान जगन्नाथ खिचड़ी खाने पधारे थे, और अब रोजाना कर्मा बाई जब भगवान कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाती, थोड़ी देर बाद वो बालक भी खिचड़ी खाने आ जाता। एक दिन कर्मा बाई, भगवान को बिना स्नान किए भोग लगाना अच्छी बात नहीं। तुम रोजाना सुबह पहले स्नान आदि क्रियाएं करके विधि विधान से पूजा करके ही भगवान कृष्ण का भोग बनाया करो। ठीक है बाबा, अब मैं स्नान करके ही प्रभु का भोग बनाया करूंगी। साधु की बात मानकर कर्मा बाई अगले दिन से स्नान करके पूजा के पश्चात भोग तैयार करती। इस कार्य में उन्हें बहुत देर हो जाती थी, पर वो बालक तो अपने समय पर ही खिचड़ी खाने आ जाता था। माँ खिचड़ी दो ना, जल्दी दो, मुझे बहुत भूख लगी है माँ। थोड़ी देर रुक बेटा, अभी देती हूँ। अब तो बालक रूपी भगवान जगन्नाथ जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर बिना हाथ मुंह साफ किए भाग जाते थे। उन्हीं दिनों मंदिर के पुजारी जो काफी समय से मंदिर में सेवा कर रहे थे, ये जगन्नाथ भगवान के मुख पर खिचड़ी कैसे? मंदिर में तो काफी दिनों से खिचड़ी का भोग नहीं लगा, फिर ये भगवान के मुख पर खिचड़ी कैसे? हे प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? भगवान जगन्नाथ पुजारी के सपने में आते हैं। मेरी भक्त कर्मा बाई, जो जगन्नाथ पुरी में ही रहती है, वो बहुत ही प्रेम भाव से सुबह उठकर बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाती है। मैं रोजाना सुबह जल्दी उठकर कर्मा बाई की खिचड़ी खाने जाता हूँ। मुझे कर्मा बाई के हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद है। पर एक साधु ने उसके पास आकर सुबह स्नान और पूजा के बाद विधि विधान से भोग लगाने का बोल दिया है। अब कर्मा बाई स्नान और पूजा के बाद भोग लगाकर मुझे खिचड़ी देती हैं। इन सब कार्यों में बहुत देर लग जाती है, मुझे बहुत तेज भूख लगती है, भक्तगण मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर मैं बिना मुंह हाथ धोए वापस लौट आता हूँ। भगवान जगन्नाथ की अद्भुत बातों को स्वप्न में सुनकर पुरोहित जी हर जगह उस साधु की खोज करवाते हैं और उसे बुलाकर सारी बात बताते हैं। साधु घबरा जाता है और कर्मा बाई के पास जाता है। कर्मा बाई, तुम श्री कृष्ण भगवान की परम प्रिय भक्त हो, तुम्हारे लिए किसी नियम नीति की कोई आवश्यकता नहीं। तुम अपने अनूठे प्रेम से जिस प्रकार सुबह जल्दी उठकर भोजन बनाती थी, वैसे ही बनाकर भगवान का भोग लगाया करो। ठीक है साधु बाबा, अब मैं पहले की तरह ही सुबह जल्दी भोग बनाया करूंगी। अब कर्मा बाई फिर से पहले की तरह भगवान कृष्ण को भोग लगाकर उस बालक को बड़े प्रेम पूर्वक खिचड़ी खाने को देती थी। ये क्रम कई वर्षों तक चला और एक दिन कर्मा बाई परलोक से धार गई। हे प्रभु, हमसे कोई भूल हो गई क्या? आज आपके नैनों से अश्रु धारा कैसी प्रभु? हे भगवान जगन्नाथ, क्या अपराध हुआ हमसे जो अब दुखी हुए प्रभु? उसी रात भगवान जगन्नाथ राजा और पुजारी के स्वप्न में आते हैं और बताते हैं कि उनकी भक्त कर्मा बाई इस लोक से विदा होकर भगवान में विलीन हो गई हैं। अब उन्हें सुबह सवेरे बाजरे की खिचड़ी कौन खिलाएगा, यही उन्हें दुख है। अगले दिन पुजारी जी, जो स्वप्न आपने देखा वही स्वप्न मुझे दिखाई दिया। भगवान जगन्नाथ की प्रिय भक्त कर्मा बाई अब इस लोक से विदा हो गई है। मैं चाहता हूँ आज से हर सुबह भगवान जगन्नाथ को कर्मा बाई के नाम से बनाई बाजरे की खिचड़ी का भोग लगा करेगा, जिससे भगवान को कर्मा बाई की कमी न महसूस हो। जी महाराज, अब से ऐसा ही होगा। उस दिन के बाद से कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ को हर सुबह बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। कर्मा बाई के नाम की बाजरे की खिचड़ी के भोग से आज भी इस प्रथा को निभाया जा रहा है।